पालक मंत्री मुनगंटीवार ने ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के प्रस्तावित कामों का तथा पर्यटन क्षेत्र का जायजा लिया। मोहरली के ताड़ोबा पर्यटन प्रवेश द्वार के सुशोभीकरण साथ ही चंद्रपुर बैघ सफारी व वन्यजीव बचाव केंद्र के प्रस्तावित कामों का सादरीकरण राज्य के वन्य सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनकी उपस्थिति में वन अकादमी में किया गया। इसमें पालक मंत्री मुनगंटीवार ने ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के प्रस्तावित कामों का और पर्यटन क्षेत्र का जायजा लिया। इसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक माहिब गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बीएस हुड्डा, वन अकादमी के संचालक श्रीनिवास रेड्डी, अपर संचालक प्रशांत खाड़े, ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगांवकर, उप संचालक नंदकिशोर काड़े साथ ही विविध वन विभाग के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। पालक मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि वन विभाग में विकास कार्य करते हुए इसे बहुत ही अच्छे और अनोखे तरीके से किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नया रेस्क्यू सेंटर और देश में अच्छा रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए, भारत में दुनिया का सबसे अच्छा पक्षी पार्क बनाने के लिए वन अधिकारियों को दुबई, सिंगापुर और जामनगर में पक्षी पार्क का दौरा करना चाहिए। पर्यटन सुविधाओं के लिए स्वतंत्र ऐसी वेबसाइट अक्टूबर 2020 में शुरू की गई। पर्यटकों के लिए आश्रय, अग्नि प्रबंधन, अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अन्य विषयों की जानकारी डॉक्टर ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व फील्ड निदेशक डॉक्टर जितेंद्र रामगांवकर ने पालक मंत्री मुनगंटीवार इन्हें दी।